गया जिले के बेलागंज प्रखंड के अंतर्गत कुरियावां पंचायत के मुखिया मनोज कुमार शर्मा के साथ सात अन्य मुखिया का चयन पंचायती राज विभाग के द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में किया गया था। उक्त कार्यक्रम में अपने पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया था। इस कार्यक्रम में मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि उनके पंचायत में पिछले कार्यकाल में भी काफी विकास का कार्य किया गया था और इस कार्यकाल में जो अधूरे काम को पूरा करने के साथ पूरे पंचायत में 5000 वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया गया है। क्या विचार विमर्श हो? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग के माध्यम से मैं अपने जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि गया जिला में हम 8 मुखिया को सेलेक्ट किए जिसमें बेलागंज में मेरा नाम भी आया। अचानक रात्रि को 8 बजे 4 तारीख को हमें चिट्ठी व्हाट्सएप के माध्यम से मिला कि आपको कल पटना में मीटिंग अटेंड करना है, अधिवेशन हो राणा सचिवालय में। तो हम वहाँ और केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी के बीच संवाद कार्यक्रम है। चिट्ठी मिलने के बाद मैंने वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद सारे बिहार के कोने कोने से सिलेक्टेड मुखिया आए थे जिसमें माननीय मंत्री जी डायरेक्ट हम लोग से बात कर रहे थे कि पंचायत को मजबूत करने के लिए आप लोग अपना ओपिनियन बताइए कि हम कर क्या सकते हैं और पंचायत आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। इस पर एक एक करके माननीय मंत्री जी बड़े ध्यान से सुने। सम्राट चौधरी जी भी वहाँ पर उपस्थित रहे। करीब 4-5 घंटा कार्यक्रम चला और हम लोग अपना अपना ओपिनियन बताए। तो माननीय मंत्री जी का कहना था कि आप लोग यहाँ से एक संकल्पित होकर के जाइए, किसी एक काम पर संकल्पित हो, चाहे बच्चों को स्कूल भेजना हो या सभी शिक्षक को वहाँ पर उपस्थिति अनिवार्य कराना हो, सालों है एक संकल्पित होइए, चाहे फिर आप 2000 पेड़े लगा सकते हैं, फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, सिसमें सागवान लगा सकते हैं, तो आप एक संकल्पित होइए और आप जब संकल्पित होइएगा, पंचायत संकल्पित होगा तो भारत देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, इसमें कोई राय नहीं है। इस कार्यक्रम में हम लोग अटेंड किए, अपना अपना ओपिनियन रखे, बताए लोगों को कैसे चल रहा है, भारत सरकार के योजनाओं के बारे में बताया कि आप लोग क्या योजना धरातल पर है। डिजिटल इंडिया माननीय मोदी जी का जो सपना था वो यहाँ धरती पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से हो, कस्टम वित्त आयोग के माध्यम से हो, मनरेगा के माध्यम से हो, कार्य हो रहा है और बहुत ही बढ़िया से कार्य चल रहा है। इस पर हम लोग लगे हैं काम कर रहे हैं। आप क्या संकल्प लिए सर? मैंने कहा कि 5000 फीट कटहल का लगाऊंगा। आप अगली बार आमंत्रित किया है माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी को, आप अगले बार जब आइएगा इसी बरसात में आइए, हम 5000 पेड़ कटहल का लगाएंगे, फलदार जब मनरेगा का काम बरसात में होगा तो हम लगा के लोगों के बीच में रखेंगे। आप वृक्ष लगाने का संकल्प लिए, विकास को लेकर के क्या है सर? और विकास के लेकर के अभी तो काम चल ही रहा है, विकास तो स्टार्ट हुआ है, इस कार्यकाल का मुखिया का पैसा आ रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, अभी कुछ बहुत योजना बाकी है। और हमारे पंचायत तो खास करके जो है तीर्थस्थलीय पंचायत है, बाबा कोटेश्वर नाथ धाम का